आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फिफ्टी एट परिवार के अंदर स्वागत है और आज आप सभी विद्यार्थियों की जो डिमांड को देखते हुए आपके लिए जो टेस्ट पेपर संख्या दो लेकर के आया हूं इससे पहले टेस्ट पेपर संख्या एक भी अपलोड कर दिया था हालांकि उसमें आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला किसी ने भी कितने नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स लिख के नहीं भेजे हैं आज इसका सेकेंड पार्ट अपलोड किया जा रहा है और यहाँ कक्षा दस नहीं है ये कक्षा बारह है कक्षा बारह विषय इतिहास और इसका पूर्णांक यानि पंद्रह अंक का ये आपके पेपर होगा कौन से पाठ का है यह अध्याय संख्या सात का है जिसका नाम है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण इस पाठ से ये संबंधित इसके महत्वपूर्ण निर्देश आप देख लें इसके निर्देश के सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं यानी कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है प्रत्येक प्रश्न के नंबर उसके क्या हैं सामने अंकित है प्रश्न के सामने उसके नंबर अंकित हैं उन नंबरों को आप ज़रूर देख लें और आप सबके लिए एक बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अब बढ़ते हैं आगे अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं पहला राजस्थान में अठारह प्रश्न है राजस्थान में अठारह के स्वतंत्रता संग्राम का संकेत कहाँ से प्रारंभ हुआ था एक अंक का तो ये कहाँ से संकेत प्रारंभ हुआ था वहाँ का आपको क्या करना है नाम लिखना है प्रश्न संख्या सेकंड है दूसरा ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ से संबंधित थे उन्होंने अंग्रेजों व जोधपुर राज्य के साथ कौन से युद्ध लड़े ये दो अंक का है यानी उन्होंने कौन से युद्ध लड़े उन युद्धों के आपको क्या करना है इसमें नाम लिखने हैं नेक्स्ट है, है प्रश्न संख्या तीन तो प्रश्न संख्या तीन है बिजुलिया किसान आंदोलन पर क्या करनी है संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है और ये कितने अंक हैं चार अंक हैं तो इसको जितना अंक उसके हिसाब से और उत्तर शब्दों के अंदर आपको लिखना है नेक्स्ट है प्रश्न संख्या चार सागरमल गोपा के संघर्ष को स्पष्ट करना है और ये भी चार अंक है नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या पाँच वृद्ध राजस्थान के निर्माण का क्या करना आपको वर्णन करना है और ये भी अंक संख्या चार का है तो ये थे आपके कुल पाँच प्रश्न हैं और ये पाँच प्रश्न पंद्रह नंबर के चार चार आठ और चार बारह बारह और ये दो चौदह और ये एक पंद्रह अंक हैं इन सबके आपको आराम से आंसर लिखने हैं निश्चित समय के अंदर आपको लिखने हैं और इन के आंसर देने के बाद आपको वास्तविक रूप से इसका मूल्यांकन करना है मूल्यांकन करके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है और इस पेपर का जो आंसर है वो आंसर भी आपको क्या किए जाएंगे अपलोड कर दिए जाएंगे जो रविवार को शाम के पाँच बजे के आसपास या फिर पाँच से आपको नौ बजे के बीच में कभी भी इसके आपको आंसर मिल जाएंगे धन्यवाद